1953 में 9 जुलाई 1953 रायवंड में पहला इज्तिमा हुआ, जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। 1951 में वहां डेरा लगाया गया रायवंड में, और 1953 में 9 जुलाई पहला इज्तिमा रखा गया। तो थोड़े से लोग, एक छप्पर बनाया था मस्जिद का, एक छप्पर बना दिया मजमे का। इज्तिमा खत्म हुआ तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारे पुरानों को जमा किया, फिर उनमें बयान फरमाया कि ये मरकज है और मरकज आबाद होता है कुर्बानियों से। वो दीन का मरकज जो पैसे से चले वो आगे चलकर गुमराही का जरिया बनता है, और वो दीन का मरकज जो जान माल की कुर्बानी से बने वो आगे चलकर हिदायत का जरिया बनता है। और इस मरकज को आबाद करना है, कौन है जो मेरे हाथ पर मौत की बैत करता है? न ये 4 महीने का काम है, न चिल्ले का। मैं 4 महीने चिल्ले का क्या मतलब है, कारोबार मेरा काम कोई और है, उसमें से थोड़ा सा खैरात आपको भी दे देता हूं। तो अभी तो हम तबलीग को एक साइल की तरह टाइम दे दीजिए। साइल कहते हैं एक रुपए का सवाल है, एक रुपए का सवाल, तो वो भी कहते भाई चिल्ले का सवाल है, तो हम भी कभी कभी चिल्ला उसको फेंक देते हैं, चल भाई चिल्ला तबलीग को साइल को दे दी। तो मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ना 4 महीने ना चिल्ला, ये पूरी उम्मत की जिंदगी का काम है और उम्मत को इस पे लाना है। तो कुछ लोग ऐसे चाहिए जो मेरे हाथ पर बैत करें कि हम मर जाएंगे इस मरकज को नहीं छोड़ेंगे, अब भूख आएगी रोटी नहीं मिलेगी और हमारा कोई जिम्मा नहीं रोटी देने का, और प्यास आएगी और हमारा कोई जिम्मा नहीं पानी मुहैया करने, और बीमारी आएगी और हमारा कोई जिम्मा नहीं दवाई देने का, और यहां से भागेंगे नहीं और बगैर मशवरे के जाएंगे नहीं और यहां से हिलेंगे नहीं, बोलो कौन तैयार है? इतनी बड़ी तश्कील। तो 18 आदमियों ने नाम दिए, तो जब आदमी खड़ा होता था सबसे पहले अब्दुल हाफ साहब खड़े हुए, जब आदमी खड़ा होता था तो उसको सामने बुलाते कि देखो भूख आएगी बर्दाश्त करनी हो, प्यास आएगी सहनी पड़ेगी, बीमारी आएगी दवाई कोई नहीं होगी, और यहां से भागना नहीं होगा, चाहे मौत आ जाए यहीं पड़ना होगा, तैयार हो? कहता जी तैयार हूं। उसे मजमे से बाहर निकाल लेते। मुश्ताक साहब एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो फरमाने लगे मैं भी उस बयान में था, तो मियां जी मेहराब मुझे तरगीब देने लगे कि तू भी नाम लिखा। तो मौलवी साहब रहमतुल्लाह ने डांट दिया कि कोई किसी को तरगीब न दे, जिसने खड़ा होना है खुद अपने इरादे से खड़ा हो, कल को यहां भूख आएगी और बीमारी आएगी फिर ये तुम्हें कोसेगा कि मुझे फंसा दिया, जिसने खड़ा होना है अपनी हिम्मत और फैसले पर खड़ो। तो उन 18 आदमियों से बैत ली कि यहां से नहीं हिलना चाहे मौत आ जाए, तो उन सब ने ये फैसला किया कि यहां से नहीं हिलेंगे चाहे मौत आ जाए, और उनमें से 16 तो मर चुके, 2 बाकी। एक अब्दुल्लाह साहब दामत बरकात हूं, और एक हमारे जो वहां नमाज पढ़ाते हैं इमाम मस्जिद हाफिज सुलेमान साहब, ये 2 आदमी बाकी हैं, बाकी सब जेर जमीन चले गए। और मुझे हाफिज सुलेमान साहब ने सुनाया कि 3-3 दिन की भूख आम चीज थी, और बाद औकात ऐसा होता था कि सख्त भूख लगी हुई और अल्लाह ने रोटी भेज दी और हम खुश हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है खाना आ गया, ऊपर से कोई मेहमान आ गए
تو میاں جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے خادم تھے، ہمارے سامنے سے روٹی اٹھا لیتے اور اس مہمانوں کو کھلا دیتے اور ہم پھر بھوکے کے بھوکے رہ جاتے۔ چوتھائی روٹی ملتی تھی مکی کی، جو کی، آٹے کی روٹی تو کبھی کبھار آتی تھی، سالن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، اور مرچوں کے ساتھ نمک اور مرچ پانی میں گھول کے اس کی روٹی کھا لیتے تھے۔ اور دور دور تک کوئی نہ آنے والا، نہ کوئی جانے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے تو ان میں سانپ پھنسے ہوتے تھے، جو سر کے اوپر سانپ رکھے ہوئے لکڑیاں لا کے اس میں ڈالتے تھے تو نیچے پھینکتے تو سانپ نکلتے۔ کہ ایک دن 18 دن گزر گئے، سالن کھانے کو نہ ملا، اور میرا بڑا دل ہو کہ یا اللہ کہیں سے کوئی سالن مل جاتا۔ 18 دن گزر گئے، سالن نہیں ملا، آپ کے دسترخوان پر تو 18 قسم کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، اور وہاں 18 دن گزر گئے سالن نہیں ملا، تو کہنے لگے 18ویں دن میں بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ بچی تمہاری مرنے کے قریب ہے، اس کو آ کے دیکھ لو۔ کہ میں جب گیا تو گھر گیا تھے، وہیں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا دی تھی، جب میں گیا تو بچی مرنے کے قریب، ایک کوئی ہماری رشتہ دار دور سے آئی بچی کا حال پوچھنے، تو وہ کدو کا سالن پکا کے لائی اور روٹی۔ انہوں نے کہا جب میری نگاہ سالن پر پڑی تو میں بچی کی موت بھول گیا اور میں کھانے پہ بیٹھ گیا۔ کہا وہ عورت کہنے لگی کی کیسا ظالم باپ ہے کہ بچی مر رہی ہے اور اس کو روٹی پڑی ہے، اور اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ آج 18ویں دن گزر چکا ہے اور مجھے کھانے کو نہیں ملا سالن۔ اور اوپر سے میاں جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے، لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، پھر اس مرکز میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہی دعوت کا مزاج ہے کہ یہ دنیا کو مسخر کر دیتی ہے۔